हेलो 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 अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख चुके हैं पहले। ठीक है, अच्छा अब इसमें जनरल जनरल कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल लेजर, फाइनल एंट्री बुक्स जनरल लेजर स्टार्ट करते हैं। जनरल लेजर, जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर और मेन लेजर। अच्छा लेजर क्या होता है? लेजर अकाउंट जिसमें अकाउंट बनते हैं उसे लेजर कहते हैं। हाँ अलग अलग अकाउंट बनते हैं तो उसको लेजर कहते हैं। ठीक है, और कोई लेजर क्या होता है? जनरल लेजर बनते हाँ वही वाला है। क्या होता है वो? बस अच्छा लिखते हैं पहले जरा। तो लेजर ये लेकिन लेजर होता क्या? पहले तो लेजर की बात करते हैं, फिर लेजर क्या होता है? लेजर क्या इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट्स। इट मींस के लेजर खुद कोई चीज नहीं है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स का नाम है। ठीक है, यानी कि अगर बहुत सारे अकाउंट्स बना लें तो उसे कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे? लेजर। अच्छा तो मेन चीज क्या हो गई आपकी? अकाउंट। तो अब ये अकाउंट क्या होते हैं? ये लिखते हैं अकाउंट। ये कॉपी कर लें पहले। अच्छा आप लेजर क्या देखें? लेजर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट अकाउंट। इट मीन्स लेजर खुद कोई चीज नहीं है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स का नाम है। देखिए बहुत सारे अकाउंट्स बना लें तो उसे कलेक्टिवली क्या कहेंगे? लेजर का। अच्छा इसके बाद अब अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। तो क्या मतलब हुआ कि हर आइटम का एक अलग अकाउंट बनेगा। जैसे कि एसेट्स की अगर बात करें तो कैश का अलग अकाउंट होगा, बैंक का अलग होगा, रिसीवेबल अलग, फर्नीचर अलग, मशीनरी अलग, मोटर व्हीकल अलग। इसी तरह एक्सपेंस की बात करें तो रेंट एक्सपेंस का अकाउंट अलग बनेगा, सैलरी एक्सपेंस अलग, स्टेशनरी अलग, वेजेस एक्सपेंस अलग। हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और उसमें हम सिर्फ उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करें। ठीक है, जैसे जनरल जनरल में क्या था? हमने ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। कि लेजर में क्या होगा? अकाउंट्स बनेंगे और हर अकाउंट में उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी कि कब हमने कितना कैश रिसीव किया, कब कितना कैश पे किया। बैंक अकाउंट होगा तो सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, रिसीवेबल्स में रिसीवेबल से रिलेटेड, पेबल में पेबल सर। अच्छा इसका फायदा क्या होगा? हर आइटम का अलग अकाउंट बनाने का क्या फायदा है? ये तो बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे ना। कैश अलग, कैपिटल अलग, बैंक का अलग होगा, रिसीवेबल, पेबल, रेंट सबके सेपरेट। इसका फायदा क्या है? कितना मेन से टोटल एक तो हर निकल चीज का सेपरेट रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और गर्मी या सर्दी लग रही है? हाँ आगे आ जाए, बल्कि पीछे चले जाए, वहां पे गर्मी हो रही है। आप पीछे चल रहे हो जाओ। आपके तो बेटी आते हुए ना, इसका रिमोट है, नाम क्या है? ओरिएंट, बराबर ऑफिसर। अच्छा एक तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि आपके पास हर आइटम का एक सेपरेट रिकॉर्ड आ जाएगा। और सेकेंड, जब अगर हमें मंथ एंड पर या ईयर एंड पे अपना बैलेंस मालूम करना है कि मंथ एंड या ईयर एंड पे कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, रिसीवेबल पेबल का बैलेंस कितना है,
तो वो बैलेंस भी हम इजीली फाइंड कर सकते। तो इसलिए हर आइटम को एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, इससे आपको हर आइटम को एक सेपरेट रिकॉर्ड मिल जाता है और उसका बैलेंस भी आप इजीली फाइंड कैलकुलेट कर सकते। इसका फॉर्मेट पहले नोट कर लेते हैं, फॉर्मेट के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीन फॉर्मेट होते हैं इसके, तीन फॉर्मेट से यूज हम एक ही करेंगे। नॉलेज के लिए मैं आपको तीनों बता देता हूँ। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरह का बन, ठीक है। सेंटर में आप लिखेंगे टाइटल ऑफ अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश आ जाएगा, बैंक रिसीवेबल पेबल लैंड बिल्डिंग। उसके बाद अब इसमें डेट का कॉलम आ गया, डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस अमाउंट। ये जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है डेट से लेकर अमाउंट तक, ये डेबिट साइड क्या रहेगी, और ये डेट से लेके अमाउंट तक ये क्रेडिट साइड, ठीक है। जनरल जनरल में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों कॉलम साथ बनते हैं। इसमें क्या होगा, डेबिट लेफ्ट साइड पे, क्रेडिट राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा जाता है, हर अकाउंट के कोड नंबर होता है जो रेफरेंसिंग में यूज किया जाता है। कॉपी कर लें। अब याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। ये दो तीन लाइन तक ड्रॉ कर लीजिएगा। अच्छा, ये इसकी सेकंड फॉर्म के प्रैक्टिस में यूज नहीं होगी, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड, अच्छा इसमें से अगर ये सारी हेडिंग्स वगैरह रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, लाइंस बचेंगी, उसको स्केलेटन कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्मेट है इसका, कहते हैं स्केलेटन फॉर्म। अच्छा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, वही जो आप कह रहे थे लास्ट, ठीक। हाँ देखिए, अब इसमें क्या है, ये इसका शेप क्या बन गया, टी ना, तो ये स्केलेटन फॉर्म कहलाती है। इसका कॉमन नेम है टी अकाउंट, क्योंकि शेप क्या बन रहा है इसका, टी। और यही फॉर्मेट हम यूज करेंगे, मतलब प्रैक्टिस में, बुक्स में, एग्जाम्स में, सब जगह यही फॉर्मेट यूज होता है। अच्छा, इसमें हेडिंग्स कोई नहीं होती, लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी डेट भी लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, अमाउंट भी लिखा जाएगा। इसमें टाइम कम लगता है, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, टी बनाना है आपको, अकाउंट बन जाए। उसको कॉमन नेम है टी अकाउंट। कॉपी कर लिया। थर्ड फॉर्म ये कहलाती है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, और इसका फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से बन। अच्छा, इसमें तीन कॉलम है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस का। अच्छा, ये फॉर्मेट भी हम यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में यूज नहीं होगा, जस्ट नॉलेज। अच्छा, ये फॉर्मेट नॉर्मली बैंक्स में यूज होता है, नॉर्मली यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, नॉर्मली बैंक्स में यूज होता है। अच्छा, इस फॉर्मेट का बेनिफिट क्या होगा कि इसमें हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैलेंस मिल जाता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बैलेंस अपडेट हो जाता है। इसलिए नॉर्मली बैंक्स में यही फॉर्मेट यूज होता है, क्योंकि वहां पे आपको अपडेटेड बैलेंस चाहिए होता है प्रैक्टिस में, स्टूडेंट लाइफ में, उसके बाद नहीं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें आप चाहें तो
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2.1, इसका हम बना रहे हैं जनरल लेजर। जनरल लेजर टी अकाउंट आप क्वेश्चन को देखकर भी बना सकते हैं और जनरल जनरल को देखकर भी बना सकते हैं। पहली एंट्री क्या बनाई हमने, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब यहाँ दो अकाउंट्स बनेंगे, कैश का, दूसरा कैपिटल। के बाद सेकेंड होगा कैपिटल। इसमें पहली एंट्री क्या बन रही है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है ना। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट आ गई, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के कॉलम में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं लिख रहे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना हो। फिलहाल हम सिर्फ डेट और अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये पहली एंट्री हो गई हमारी कैश डेबिट, सेकेंड एंट्री क्या है इसकी, कैपिटल क्रेडिट। तो ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कॉपी कर लें। सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री क्या बनाई थी इसकी, सेकेंड बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो अब बैंक का नया अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बना हुआ है, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और बैंक का नया अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बैंक का नया अकाउंट बनाते हैं पहले, बैंक हो गया डेबिट, बैंक डेबिट हो जाएगा। अच्छा, बैंक अकाउंट भी बड़ा बनेगा 7 लाइन, और कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है उसी में क्रेडिट साइड पर इसको पोस्ट कर दे, ये कैश हो गया क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो सिर्फ बैंक का नया अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बना हुआ है उसी में आप इसको क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दे, ठीक है। अकाउंट बनाने आप अकाउंट बनेंगे, हर आइटम का अलग अकाउंट, 7 लाइंस, ये बैंक भी 7 लाइंस का बनेगा और ये कैश अकाउंट जो बना हुआ है पहले से उसी में आपने इसको क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना है, कैश का अकाउंट दोबारा नहीं बनाएगा। ये जो यहाँ पे बना हुआ था ना पहले जो हमने बनाया था, ये जो कैश अकाउंट बना हुआ है इसी में आपने यहाँ क्रेडिट साइड पर इसको पोस्ट करना है, ठीक है, और सिर्फ आप बैंक का नया अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट भी 7 लाइंस का बनेगा, नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब यहाँ दो नए अकाउंट्स बनेंगे, एक ऑफिस फर्नीचर का और दूसरा अकाउंट्स पेबल। तो ये ऑफिस फर्नीचर डेबिट, ऑफिस फर्नीचर डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अच्छा, ये सिर्फ 4 लाइन्स बनेंगे दोनों, ऑफिस फर्नीचर भी 4 लाइन्स का, अकाउंट्स पेबल भी 4 लाइन्स। तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। तो वैन का नया अकाउंट बनेगा, वैन या मोटर व्हीकल का, वैन डेबिट और बैंक अकाउंट बना हुआ है उसी में क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर।
वैन डेबिट बैंक क्रेडिट। हाँ ये भी फोर लाइन, पर बैंक और कैश के अलावा बाकी सारे अकाउंट्स फोर लाइन से बने। बैंक और कैश का अकाउंट 12 बनते हैं, बाकी अकाउंट सब फोर लाइन। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री इक्विपमेंट्स डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट है। तो नेक्स्ट एंट्री है इक्विपमेंट्स डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। दो नए अकाउंट्स बनेंगे, पेबल तो बना हुआ, इक्विपमेंट्स डेबिट, इक्विपमेंट्स का नया अकाउंट बनेगा और अकाउंट्स पेबल बना हुआ है उसी में क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर। एंट्री होगी इक्विपमेंट्स डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। नहीं बैच बता देते, देखिए फिलहाल तो एक ही बना रहे हैं, वैसे जब हम बनाए वैसे तो प्रैक्टिकली अलग अलग बने, अलग बने। अच्छा देखिए इसमें अकाउंट्स पेएबल मैंने एक ही अकाउंट बनाया है फिलहाल, वैसे इसमें देखिए आप हर सप्लायर चेंज हो रहा है ना, फर्नीचर हमने किसी और से बाय किया था, इक्विपमेंट किसी और से बाय कर रहे हैं, प्रैक्टिकली होता है कि हर सप्लायर का अलग अकाउंट होता है। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पेबल का एक ही अकाउंट बनाएंगे, पेबल और रिसीवेबल एक ही बना रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बनाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री अकाउंट्स अकाउंट्स पेबल क्रेडिट डेबिट फर्नीचर क्रेडिट है। ओके अब आपका नेक्स्ट एंट्री है अकाउंट्स पेबल डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, दोनों अकाउंट्स बने हुए, अब नया अकाउंट नहीं बनेगा, ये ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल डेबिट। ये एंट्री हो गई, नेक्स्ट हमारी अकाउंट्स पेबल डेबिट ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट, तो ये दोनों अकाउंट्स बने हुए हैं, इसमें नया अकाउंट नहीं बनेगा। कॉपी कर रही हो क्या? नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री कैश डेबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट। तो कैश और इक्विपमेंट्स दोनों अकाउंट बने हुए हैं, अब आप लिखेंगे कैश डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाए, तो दोनों अकाउंट्स बने हुए हैं, नया अकाउंट नहीं बनेगा। कैश डेबिट इक्विपमेंट्स क्रेडिट, कल बताया तो था परचेज, परचेज रिटर्न सेल्स, सेल्स रिटर्न सिर्फ गुड्स के लिए, पर चार अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए होते हैं ना, गुड्स के अलावा कोई भी एसेट बाय करें या सेल करेंगे वो अपने नाम से ही रिकॉर्ड। सेल की ऐसे डिक्रीज हुए क्रेडिट, ऐसे डिक्रीज क्रेडिट, ऐसे डिक्रीज जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो दोनों अकाउंट्स बने हुए, अकाउंट्स पेबल डेबिट
1840 bank credit 1840 accounts payable debit bank credit 1840 कॉपी कर लिया। अच्छा नेक्स्ट एंट्री कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, तो दोनों अकाउंट्स बने हुए हैं। कैश डेबिट 130 और बैंक क्रेडिट 130। कैश डेबिट बैंक क्रेडिट नेक्स्ट एंट्री बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट बना हुआ है, बैंक हाँ डेबिट हो जाएगा और लोन पेबल का नया अकाउंट बनेगा। एंट्री होगी बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, अच्छा लोन पेबल अकाउंट भी फोर लाइन्स का ही बनेगा। बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट इसे हाँ ये आपका डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे ना, लोन कितना लिया है और क्रेडिट पे कितना बाय किया, अलग अकाउंट है। ठीक है तो कॉपी कर लेंगे। ओके अच्छा ये तो हमने देखा, ये ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, टी अकाउंट्स बना लिए। ये जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की इसके लिए टर्म यूज होती है पोस्टिंग, या लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं, पोस्टिंग भी कहते हैं। ये हमने ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट किया। अच्छा ये जो अकाउंट्स हमने बनाए टी अकाउंट्स, ये तीन स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ये पहला स्टेप हो गया पोस्टिंग, इसके बाद फिर क्लोजिंग और बैलेंसिंग। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर अकाउंट क्लोज करेंगे और हर अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दी है। अब मंथ एंड हो गया, मंथ एंड पर अकाउंट वन बाय वन अकाउंट को क्लोज करेंगे और हर अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा पहले एक रफली आपको समझा दूं होता क्या, इसके बाद फिर एक प्रॉपर इसकी कैलकुलेट फॉर्मेट बता दूंगा करना क्या होगा। अच्छा अभी कैश अकाउंट बना हुआ है, अब हमें कैश का बैलेंस फाइंड करना है कि जनवरी 31 मंथ एंड पर कैश इन है कितना बचा आपके। तो कैश का बैलेंस कैसे ना कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसमें डेबिट साइड पे लिखा है 17,500, 200, 130 और क्रेडिट पर है 9,400। ये जो डेबिट्स हमने एंट्रीज की हैं 17,500, 200, 130, कैश अकाउंट डेबिट कब होता है, जब कैश इंक्रीज होता है, कैश हमें रिसीव होता है ना, तो ये हमने टोटल कैश रिसीव किया। अच्छा क्रेडिट कब करते हैं, जब कम होता है, डिक्रीज होता है या पेमेंट करते हैं, तो ये हमारी पेमेंट हो गई, तो वो रिसिप्ट है। तीनों को ऐड कर रहे हैं, तीनों को उधर ऐड करें, टोटल कैश कितना रिसीव किया हमने 17,830। कैश पे कितना किया, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो बैलेंस कितना आ गया 8,400।
ठीक है। ये तो एक रफ कैलकुलेशन होगी ना कि आपने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल करके रिसिप्ट का टोटल करके पेमेंट्स को माइनस किया, बैलेंस आ गया। अब इसका प्रॉपर तरीका क्या है इसको क्लोज और बैलेंस करने का? अच्छा मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है सबने? अच्छा मैथ्स में वो जो साइन का चक्कर होता है वो तो पता है ना, जैसे एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है, या दोनों माइनस में है दोनों प्लस में है, उसमें क्या होता है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं और अपो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा कुछ ऐसे रूल यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर दो साइड है, वहां साइन होता है प्लस माइनस, यहाँ पर साइड है डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे क्या होगा डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस, सही? जैसे दो वैल्यूज अगर आपको दी हुई डेबिट बैलेंस वैल्यूज हैं तो दोनों आप ऐड करेंगे, दो वैल्यूज क्रेडिट पर हैं तो दोनों ऐड होंगी, और अगर एक वैल्यू डेबिट है एक क्रेडिट है तो माइनस, ठीक है? तो वही रूल है डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस, मैथ्स वाला रूल है। सेम साइड ऐड होंगी ऐड करेंगे और अपोजिट साइड माइनस, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो बैलेंस आ जाएगा, सही? अच्छा अब इसका प्रॉपर तरीका क्या है? अच्छा एक चीज और है, अब डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट का टोटल कम है, अब जो बैलेंस आएगा, अब हम डेबिट का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, बैलेंस आ गया कितना 8,400। अब ये 8,430 किस साइड पे लिखा जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड पे। देखिए मैथ्स का एक रूल है, यहाँ भी मैथ्स पर यूज करते हैं, एक वैल्यू आपकी प्लस में एक वैल्यू माइनस में, माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट होगा, जो आंसर आएगा उसके साथ कौन सी साइन लगेगी, बड़ी वैल्यू की साइन, अगर प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस, माइनस की बड़ी है माइनस, तो यहाँ भी वही रूल है। अब यहाँ दो साइड है तो बैलेंस जो आएगा वो किस साइड पे लिखेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो बैलेंस भी उसी साइड पे लिखा जाए। तो इसमें किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस भी हम लिखेंगे डेबिट, बातें नहीं डेबिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है, दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट डेबिट ऐड होंगे क्रेडिट क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस को आप कहाँ लिखेंगे बड़ी साइड पर। अब इसमें बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट। अब इसका जो प्रॉपर तरीका है वो समझा देता हूँ करना क्या, ये तो एक रफ आइडिया हो गया। प्रॉपर तरीका ये होता है, पहले हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो एक लाइन छोड़कर लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन छोड़कर दोनों साइड पर लिख लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो डेबिट का टोटल ज्यादा था वही टोटल हमने डेबिट पे लिखा और वही टोटल क्रेडिट पे लिखा, इसके बाद इस टोटल में से कम वाली साइड यानी क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, इसको माइनस करें 8,430 आ रहा है। अच्छा अब जो डिफरेंस आएगा उसको पहले हम लिखेंगे कम वाली साइड पर लिखते हैं पहले, उसके बाद उसको उठा के बड़ी साइड पर ले जाएंगे, तो पहले इसको हम लिखेंगे कम वाली साइड 8,430 आ गया, इसके बाद इसको ले जाएंगे हम कहाँ बड़ी साइड, ठीक है 8,430, ठीक है? अच्छा ये अभी मैं समझाता हूँ, ये C/D और B/D क्या होते हैं इसको फिलहाल अभी यानी, ठीक है? पहले हमने डिफरेंस लिखा कम वाली साइड पर, फिर इसको उठा के ले गए बड़ी साइड। हाँ नेक्स्ट मंथ आ गया, असल में देखिए यहाँ हमारा मंथ कौन सा था, जून का, यहाँ पे जून एंड हुआ तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, जुलाई, तो ये नेक्स्ट मंथ की डेट आएगी हमेशा, ठीक है? आखिर में यहाँ पे मंथ एंड की डेट होगी, करंट मंथ का जो एंड होगा और इसके बाद वो नेक्स्ट मंथ की पहली डेट आ जाएगी ओपनिंग, जैसे अगर यहाँ पे December 31 है तो वहां पर January 1 हो जाएगा। अच्छा रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, देखिए दोनों साइड का पहले टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन छोड़कर दोनों साइड पर लिख लेंगे, इसमें से जो कम वाली साइड है वो माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा,
बैलेंस को पहले हम लिखेंगे कम वाली साइड पर और उसके बाद उसको उठा के ले जाएंगे बड़ी साइड पर ग्रेटर साइड। यहां पे हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तीन स्टेप हुए, पहला स्टेप हो गया पोस्टिंग, फिर ये क्लोजिंग और उसके बाद बैलेंसिंग। पोस्टिंग, क्लोजिंग, बैलेंस, तीन स्टेप में हमारे अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो कॉपी करें, ये सी डी और बी डी का बता देता हूं कि फुल फॉर्म लिखें। यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए मैंने, सी स्लैश डी और बी स्लैश डी, इनके फुल फॉर्म लिख लें। सी की क्या फुल फॉर्म है? कैरी, कैरी वर्ड होता है कैरी, सी ए डबल आर वाई। इसके थर्ड फॉर्म क्या होगी? कैरीड होती है कैरीड, तो लिख लें कैरीड डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, कैरीड डाउन, कैरी डाउन या कैरीड डाउन। सी स्लैश डी के फुल फॉर्म कैरीड डाउन। अच्छा इधर है बी स्लैश डी, तो बी होता है ब्रिंग, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉड हो जाएगा, तो उसको लिखते हैं ब्रॉड डाउन। तो कैरीड डाउन और ब्रॉड डाउन, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉड डाउन। तो देखिए इसको हमने क्या किया, इस बैलेंस को कैरी डाउन किया, तो यहाँ वही टर्म यूज हो रही है कैरीड डाउन और वो ब्रॉड डाउन हुआ है, तो उसके लिए बीडी आ जाए। अच्छा कैरेट डाउन के साथ हमेशा मंथ एंड की डेट आएगी और ब्रॉड डाउन के साथ हमेशा मंथ नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट की डेट। क्लियर? हाँ, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉड हो जाएगा, ब्रिंग ब्रॉड। ओके, अब नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। अच्छा आपके पास बना हुआ कैपिटल अकाउंट, मैंने यहाँ पे पहले बैंक अकाउंट को कम्प्लीट किया है, तो बैंक पे आ जाते हैं। बैंक अकाउंट में देखें, बैंक में भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो डेबिट साइड का टोटल डेबिट पे लिखते हैं, वही टोटल हम लिखेंगे क्रेडिट पर, 13,400, 13,400। अब इसमें से क्रेडिट साइड कम वाली साइड माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंस आएगा, इसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पर पहले, बैलेंस आ गया कितना 6,180, और इसको फिर हम ले जाएंगे डेबिट साइड बड़ी साइड। अभी रिपीट कर दूं, बैंक में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। डेबिट साइड का टोटल हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, वही टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, और इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 6,180 कैरेट डाउन, और ये डेबिट साइड पे जाकर और डाउन। है ना, जून, जून की आखिरी डेट क्या होती है? 30 जून होता है, मंथ एंड की डेट है। तो यहाँ पर जब भी बैलेंस कैरी डाउन के साथ हमेशा मंथ एंड की डेट, जैसे अगर जनवरी का मंथ है तो यहाँ 31 आ जाएगी, तो यहाँ पे डेट क्या बनेगी? 5 5 हो जाएगी, फर्स्ट सन। ये क्लियर हो गया, पोस्टिंग, क्लोजिंग, बैलेंस। कौन सा टोटल? ये नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ टोटल है। बैलेंस तो ये होगा कि जून के एंड पर बैलेंस कितना था? 6,180। जुलाई के स्टार्ट पे बैलेंस कितना है? 6,180। इस टोटल का कुछ नहीं, ये टोटल है, इसका कोई काम। बोले 8 तारीख पे क्या लिखा था? ठीक है, कितने की है? 5,200। जी कॉपी कर लिया, सही है। क्या गलती है? कहाँ क्या गलती है? चेक करें, सही है। ये बैलेंस गलत कह रहे हैं, टोटल गलत क्या कह रहे हैं? बैलेंस गलत आ रहा है, ये टोटल थोड़ी है, ये टोटल नहीं है, बैलेंस है ये।
आप क्या करें इसमें से 13,400 में तो इसका टोटल माइनस करें, माइनस करके जो आएगा ना बैलेंस वो लिखा है यहाँ, टोटल नहीं है ये। हाँ ये क्रेडिट का टोटल नहीं है, इसमें से हमने क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस किया तो बैलेंस बचेगा ना हमारे पास, बैलेंस आए माइनस करने के बाद। टोटल जो होगा हमेशा बड़ी वाली साइड का लिखेंगे, कम वाली साइड माइनस होके बैलेंस निकाल। क्लियर? अच्छा इसके बाद मैंने जो बाकी अकाउंट्स है वो डायरेक्ट सॉल्व किए हुए, तो उसको आप समझ के कॉपी कर लीजिए ठीक है। स्टेप वाइज नहीं है वो, डायरेक्ट डायरेक्ट देखिए कुछ इस तरह से है। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट है ये कुछ तरह, इसको समझ लें। आपके पास डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 2,100 और क्रेडिट साइड पर है 260, ऐसा ही है। डेबिट साइड पर 2,100 और क्रेडिट साइड पर 260। डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे पहले यहाँ 2,100, यही टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड पर 2,100 और इसमें से माइनस करेंगे आप 260, बैलेंस आ जाएगा 1,840। ये कैरी डाउन होके नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो हमने टोटल लिखा है ना 2,100, टोटल के नीचे डबल लाइन थी ना, डबल लाइन का मतलब अकाउंट क्लोज। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट का थोड़ा इश्यू था, तो इसमें टोटल के नीचे सिंगल लाइन है, आपने यहाँ डबल लाइन ड्रॉप कर दी। 2,100 के नीचे डबल लाइन नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं, कुछ इस तरह से टोटल के नीचे आपने डबल लाइन ड्रॉ कर दी। डबल लाइन का मतलब यहां आपका अकाउंट क्लोज हो गया। जी सब में डबल, टोटल के बाद सब में डबल। अच्छा अभी अकाउंट्स पेबल समझ लें, ये थोड़ा चेंज होगा, अब ये डिफरेंट है इससे। अकाउंट्स पेबल बाद में कॉपी कीजिएगा। अच्छा इसमें देखिए अकाउंट्स टेबल में आपके पास लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर 2,100 है, 2,300 है सही, और डेबिट पर है 260, क्रेडिट पर 1,840, ऐसे ही है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करें पहले, तो 4,400 आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल करें 2,100 आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड पर 4,400, यही टोटल लिखेंगे डेबिट साइड पर 4,400 और इसमें से अब डेबिट साइड माइनस होगी, अब डेबिट साइड माइनस होगी क्योंकि डेबिट साइड कम है, बैलेंस आएगा 2,300 कैरी डाउन और इसका ब्रॉट डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक तो कैरी डाउन कम वाली साइड पे आएगा, ब्रॉट डाउन बड़ी साइड। अब ये बिल्कुल इसका रिवर्स हो गया ना, अपोजिट। सर इसको लाइन में खेलने कर आते ग्राउंड अगले महीने के लिए मतलब, तो यहाँ हमारा जून का मंथ का एंड हुआ, पर यहाँ से जुलाई का मंथ स्टार्ट हो रहा है। से आज अगर जून 30 ये मंथ एंड हो गया तो कल नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा। सर नेक्स्ट मंथ दिखा रहे हैं ना कि यहाँ से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, ये हम दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ मंथ एंड हो गया जून का, यहाँ से हमारा नेक्स्ट मंथ जुलाई स्टार्ट। फिर यहाँ पे आप इसको अगर जैसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ जुलाई के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी ना, फिर जुलाई में हमारी सेल परचेज होंगी, फिर पेबल क्रेडिट होगा, पेबल डेबिट, फिर एंड पे जाके फिर वो बैलेंस होगा, फिर वहां पे आएगा जुलाई 31, फिर यहाँ आ जाएगा अगस्त 1, फिर अगस्त की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, इस तरह चलेगा। यहाँ एक मंथ कंप्लीट हुआ, दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया। तो बैलेंस पता चल गया ना आपके पास, अब आपने पूरे महीने सेल परचेज की, पेमेंट्स की, रिसिप्ट की, मंथ एंड पे आपके पेबल कितने बचे, कितने बच गए ये पता चल गया ना। जब हमारे एंड पे पेबल कितने हैं 2,300 है। अब फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का हमारे पास मंथ एंड पे 1,840 का। बैंक अकाउंट देखें, उससे पता चल रहा है आपका मंथ एंड पे बैंक बैलेंस कितना है। कैश अकाउंट से क्या पता चला, मंथ एंड पर कैश इन है कितना, तो इससे हमें पता चल जाता है कि मंथ एंड पे हमारे बैलेंसेस, हर चीज का बैलेंस।
तो इसलिए बैलेंस निकाले जाते हैं ताकि आपको पता चले। अब जैसे बैंक बैलेंस नहीं पता आपको कितना है, आपने चेक इशू कर दिया, पता तो चला बैलेंस कम था, चेक रिटर्न हो गया, बैलेंस मालूम करने नहीं कॉपी कर लिया। अच्छा पेबल में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है वैन अकाउंट। अच्छा इसमें देखिए आपके पास सिर्फ डेबिट साइड पर एक एंट्री है 5250, क्रेडिट पे कुछ नहीं है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये लिखेंगे 5250, यही टोटल आएगा क्रेडिट साइड पर, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे 0, तो यही इसका बैलेंस आ जाएगा। अब क्रेडिट पे कुछ नहीं है तो 0, तो यही आपका बैलेंस होगा कैरी डाउन, और यही आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है, ये कॉपी कर लें पहले। अच्छा बैन अकाउंट कॉपी हो गया, कॉपी कर दिया जी। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। तब इक्विपमेंट्स अकाउंट में आपके पास डेबिट साइड पर है लिखा है 2300 और क्रेडिट साइड पर 200 है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 2300 डेबिट पर लिखेंगे, यही टोटल क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और इसमें से आप क्रेडिट साइड 200 माइनस करेंगे, बैलेंस आ गया 2100 कैरी डाउन, और ये डेबिट पे जाकर ब्रॉट डाउन। अच्छा अब इसमें एक चीज और नोट कर लेंगे, देखिए कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन हमेशा अपोजिट साइड पर होंगे, ठीक है। जैसे हमने ये पेबल अकाउंट बनाया था, तो कैरी डाउन कहाँ आया था? डेबिट पे, तो ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? क्रेडिट पर। तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हमेशा अपोजिट साइड पर। ये वैन अकाउंट और इक्विपमेंट अकाउंट कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है लोन पेबल। अच्छा लोन पेबल में भी देखें आपके क्रेडिट साइड पर एक एंट्री है सिर्फ 4000, डेबिट पे कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट पे लिखेंगे 4000, यही टोटल डेबिट साइड पर 4000, डेबिट साइड माइनस करेंगे 0, तो बैलेंस आ जाएगा 4000 कैरी डाउन, और क्रेडिट पे जाकर ब्रॉट डाउन, ठीक है। सही, जिसके बाद लास्ट है कैपिटल रह गया था, ये लिख लिया पहले, फिर कैपिटल। 2 मिनट, ये कॉपी कर लिया ठीक है। लास्ट अकाउंट अब रह गया कैपिटल का। अच्छा कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पर एक एंट्री है सिर्फ 17500, डेबिट पे कुछ नहीं है, तो क्रेडिट पे लिखेंगे 17500, यही टोटल डेबिट पे आ जाएगा 17500, माइनस करेंगे 0, तो यही बैलेंस आ गया 17500 कैरी डाउन, और ये क्रेडिट पे जाकर ब्रॉट डाउन। कॉपी कर लें, ठीक
गर्मी लग रही है। अभी चलो सर्दी लगा देता हूँ, ब्रेक होने वाला। कॉपी कर लिया कैपिटल अकाउंट। ओके okay. चले फिर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके okay. ठीक।